अपनी अपनी सोच है, जबरदस्ती कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो सोच परिवर्तन करो ना, आप परिवर्तन, हम ही सब सब कुछ हम ही परिवर्तन करें, 3 साल से हम ही तो परिवर्तन कर रहे हैं, लॉकडाउन में रह रहे हैं, किसी तरह एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हो। अत्याचार को अगर समय पर नहीं रोका गया तो आप गुलाम बन सकते हैं। देखिए कैसे मौजूदा हालात में जो हो रहा है, कोई भी बीमारी ले लीजिए आप, बीमारी मैंने यहां पे दे दिया, कोई भी आप बीमारी का नाम रख दीजिए यहां पे, ABCDEFGHI कोई भी रख दीजिए, ठीक है। हाँ, ये कितने तरीके से ठीक हो सकते हैं, आपका अंग्रेजी दवा कहते हैं, अंग्रेजी दवा, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खे, वैसे आयुर्वेदिक में ही आएगा घरेलू नुस्खे, वो ऐसे देखा जाए तो कहता है बीमारी की जब तक पहचान ना हो डिसीजन, तो कहता है आजकल तांत्रिक विधि, ठीक है, एक्सरसाइज से, व्यायाम से, तो वही हुआ, सब एक ही में होता है। आप डिफेंड, आप जितना टाइप आप चाहो तो दे सको, ठीक है। तो जनरली जैसे कहते हैं ना, ये होम्योपैथिक अंग्रेजी और घरेलू और ये आयुर्वेदिक, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्सरसाइज व्यायाम डॉट, ठीक है। तो अब देखिए यहां के मौजूदा हालत में क्या हो रहा है। अब ये बताइए, कोई भी बीमारी है आपके शरीर में, किसी के भी शरीर में है, उसके शरीर में उसको पता है कि हम स्वस्थ है, तो क्या ये कौन सा इसमें नुकसान अपनाएगा? जो प्रकृति में जैसे कर रहा है वैसे ही रहेगा ना, मतलब स्टार्टिंग से जैसे वैसे ही रहेगा, अच्छे से अपना सब काम करते रहेगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा फीवर होगा, तबीयत तो अस्वस्थ होगा, तो ये गर्म पानी पिएगा ठीक हो जाएगा, तो क्या उसको इंजेक्शन लेना जरूरी है? नहीं ना, ठीक, समय रहते जैसे, ठीक है। क्या उसको तांत्रिक के पास जाना जरूरी है? नहीं है, आयुर्वेदिक या कोई भी चीज, समझ रहे हो ना आप। तो उसी प्रकार से इसकी जगह पे कोई भी बीमार ले लीजिए, तो उसके कितने विधि होते हैं, ठीक, मतलब बीमारी की पहचान होने के बाद कि कौन किस विधि से होगा। जैसे देखिए आजकल साइंस क्या मानता है, और कहते हैं लौकिक अलौकिक में भूत परेत, जब भूत घुस जाए तो साइंस कहता है अपना दिमाग लगाता है भूत, तो कोई मानता है कोई नहीं मानता है, तो हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमारा टॉपिक ये है, अत्याचार को अगर समय पे नहीं रोका जाए तो आप गुलाम बनने वाले हैं। तो आप समझ रहे होंगे, तो बीमारी की पहचान करने के बाद चलो विधि सब अपने आप होता है, कि भक्ति की शक्ति कहते हैं ना सभी तरह से, ठीक है। तो अपनी अपनी विधि, यहां पे रिसेंटली क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस, ये भी बीमारी है, ठीक है, ध्यान से समझिए कोरोना वायरस, ठीक है। तो जब इसके इतने विधि से ठीक हो सकते हैं, तो इसके भी इतने विधि से ठीक हो सकते हैं ना, ABCDEFGHI लिख दे देते हैं। अब ये समझ जाइएगा ना, ये क्या है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ऐसे करके एक्सरसाइज, आपका अंग्रेजी दवा, आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खे, कुछ भी, ये सब आप समझ गए, ठीक है, कोई भी विधि। तो अब बताइए, ये सबसे पहले आप स्वस्थ है, अच्छे है, तो आपको कोई चीज लेने की जरूरत है? नहीं ना, मैं ये नहीं कह रहा वायरस है कि नहीं, ठीक है, लेने की जरूरत है? नहीं ना। लेकिन अगर आपको कहे नहीं जबरदस्ती तुम्हें इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो क्या कर रहा है वो, क्यों लू, नहीं लोगे तो चलान काटेगा। जो सुविधा प्राप्त है गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो भी सबके लिए नियम लागू होता है, वो तुमसे उससे वंचित किया जाएगा, या कुछ ही सुविधाओं से, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, आप पे अत्याचारी कर रहे हैं ना। तो ये माध्यम होता है कि किसी को डायरेक्ट आपको थोड़ी कोई कुछ कहता है, आजकल कोई भी सिस्टम में डायरेक्ट कोई थोड़ी होता है, इनडायरेक्ट। तो ये जो वायरस है, ठीक है, इसका इलाज नहीं है, 3 साल से जो नौटंकी हो रहा है, नाक मुंह सांस बंद कर दिया है, कहने का तत्व समझ रहे ना आप, एक तरह से कोई सुनने को तैयार नहीं, देखा देखी का सिस्टम है, पता है इतना आदमी है सो बेवकूफ है जो लगा रहा है, सबसे पहला मुद्दा यही होगा, इतना आदमी बेवकूफ है जो लगा रहा है, ठीक है। तो यही चीज मैंने कहा है कि भाई ठीक है, आपको लगाना है लगाओ, हमें अगर स्वस्थ है तो हम क्यों लगाए, हम क्यों लगाए। और एक ही दवा है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट लगाते हो, डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं ना मात्रा वाला सिस्टम,
जब हम स्वस्थ है तो क्या आप शरीर पे क्यों कब्जा करो? तो वो तो लोग कहते हैं घर पे कब्जा करते हैं, यहाँ पे तो शरीर पे कब्जा कर रहा है पूरी तरह से। तो क्या कर रहा है मेंटेलिटी, सब 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 पहले फूट डाल दिया सब में कि वायरस हो जाएगा। यहां तक घर के अंदर भी होगा तो कुछ लोग मास्क हमेशा लगाते होंगे, लगभग ज्यादातर बाहर तो लगाना ही है। क्यों? क्योंकि ये खौफ पैदा कर दिया, नहीं लगाओगे चालान कट जाएगा, और लॉकडाउन कर दिया, इधर से जिंदगी खराब कर दिया, तो आपके तो इनकमिंग जो है नहीं, आउटगोइंग हो रहा है सिर्फ। तो एक समय आने के बाद तो सभी का खत्म होना है। बार बार आप देखो, ऐसे समझो मैं 4 दिन दे रहा हूं, आप समझ जाना, 4 दिन की जगह 4 महीने रख लेना, 3 महीने लगना। 4 दिन आपका लॉकडाउन किया, ठीक है, 15 दिन खोला या 20 दिन खोला, समझ रहे हो, 4 दिन है, 40 दिन, चलो 40 दिन लॉकडाउन किया, 10 दिन खोला, इसमें आपने अच्छा से फिर से डेकोरेशन किए, फिर से बंद कर दिया 3 महीने। तो आप जो है पूंजी जो भी आपके पास है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। फिर इसके बाद आपको कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं। कस्टमर आपके पास कैसे आएगा? ऑनलाइन, कितना ऑनलाइन, जब तक कॉन्टेक्ट नहीं होगा क्यों ऑनलाइन, कैसे ऑनलाइन, नया कस्टमर कैसे जुड़ेगा ऑनलाइन? ट्रस्ट, ट्रस्ट अगर होता तो ये होता, ट्रस्ट तो पूरा गायब हो रहा है, इनडायरेक्टली कर दिए है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि गुलाम के एक माध्यम करेगा। तो यहां पे सबसे पहले आप देखिए, पहले क्या किया, मास्क से भाई इलाज नहीं है तो जैसे कहते हैं, अगर कोई यहां पे आपको कोई बीमारी हो जाता है और टैबलेट से ठीक नहीं होता तब ना इंजेक्शन लेते हो, ठीक है, उससे ठीक नहीं होता तो कुछ और मतलब चेकअप या कुछ भी करवाते हो, कहने का तो समझ रहे हो ना। यहां पे आप स्वस्थ हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, फिर भी जबरदस्ती करा जा रहा है तो अत्याचार कर रहा है। क्योंकि आने वाला समय में कहेगा, कल को कहेगा भाई आप जो सोच रहे हो, ठीक है, वो क्या बीमारी है नहीं है सब पता चल जाएगा, आपको चिप लगाया जाएगा मस्तिष्क में, और ऐसा हो मतलब स्टार्ट हो चुका है या होने वाला होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेरा मुद्दा वो नहीं है, इसलिए मैं बस इतना समझ लीजिए आप हिंट। तो क्या क्या करेंगे आप? तो आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पहले से तो मानसिकता में सेट कर दिया है सबको कि ये चीज है, उससे ये हो जाएगा, लेकिन पूरा आप पूरी तरह उसके कब्जे में हो जाइएगा, आप क्या सोच रहे हैं सब उसको पता चल रहा है। और क्या ऐसा पॉसिबल है? तो कहे कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है, इस पे हम क्लियर नहीं करेंगे अभी ना, हमारा टॉपिक है अत्याचार को समय पे नहीं रोका गया तो वो आप गुलाम बनने वाले है। क्योंकि आदमी जब ये सोच रहे कि हम भगवान बन जाए तब तो वही हो गया सिस्टम कब्जा, तो चिप लगाए या क्या लगाए कहने का तब पर वो अलग थिंकिंग है, ठीक है, अभी आप यहां पे समझिए ध्यान से। तो यहां पे एक माध्यम, तो एक डोज, दो डोज, तीन डोज, ये बार बार हो रहा है तो आप पे क्या हो रहा है? जबरदस्ती, देखिए तो जबरदस्ती अगर कर रहा है तो जब आप स्वस्थ है और आपको सिंपल तरीके से ठीक हो रहा है, सर्दी खांसी का ही नाम दे दिया गया ना, आप मानो न मानो सभी मानते होंगे, उसी में थोड़ा 19-20 जो भी हो तो ठीक है, उसका जो इलाज है जिसको लेना है वो स्वेच्छा से ले सकते हैं, आप खान पान अच्छा रखते हो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जबरदस्ती कह रहे हो नहीं लो, नहीं तो तुम्हें पैसा चलान कटेगा, और यहां तक आप घर से बाहर निकलते हो तो एक खौफ पैदा कर दिया है। कुछ सोच रहे होते कि कुछ करना है नहीं करना है, इधर से कोई ऐ ऊपर करो ये लो, कुछ बोल दिए नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर करो चालान कट जाएगा, ठीक है, और वो दूसरा तो बाद में कहेगा, पहले तो आपके आसपास नजदीक में इर्द गिर्द रहेगा वही आपस में होगा। तो मैंने कहा ना देखा देखी वाला सिस्टम है। तो अगर आप लोग जब तक वो अच्छा से पता तो नहीं रहता है, क्योंकि आजकल मैंने कहा फैन फॉलोइंग, जिसके फैन फॉलोइंग ज्यादा है और जिसकी बात सुनते हैं तो वो फैलता जाता है, और जो सही होता है वो थोड़ा आस्ते आस्ते कहते हैं ना सिस्टमेटिक है, तो जब तक फैलेगा तब तक बहुत कुछ हो गया रहता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जबरदस्ती अगर कंपलसरी कर रहा है या आपको विवश कर रहा है और आप स्वस्थ है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेंटेलिटी टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है, और जबरदस्ती कर रहा है तो आप पे अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए। और यही चीज पूछिए कि भाई आयुर्वेदिक को बंद करो, तुम होम्योपैथिक को बंद करो, व्यायाम तो बंद ही कर दिया, आप व्यायाम कर नहीं सकते, फुर्ती रहेगा कहां से, बाहर निकल नहीं सकते, लोग कहते हैं जब चलते तो हाँफने लगता है लोग, हैं मास्क लगा के चलेगा क्या है ये सब? तो ये सब एक माध्यम है कि एक कोरोना की आर में जो भी हो वो तो और भी है ना, उस दूसरे की आर में भी कर सकते हो, और भी बीमारी है, लेकिन इतना एक्सेस
भाई आप जो करना है करो, लेकिन आपने कंपलसरी नहीं करना है। दूसरी बात, किसी को आप स्वेच्छा का सिस्टम है, कोई किसी को टोक नहीं सकता कहने का तो इस फील्ड पे कि तुम मास्क जो है लगाओ और इसका क्या कहते हैं जबरदस्ती वैक्सीन लो। हम ठीक है, हम क्यों ले, हमें प्रॉब्लम होगा, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हम इलाज करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि ठीक है दे रहे हैं, ठीक है उनका जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आप देखो ना, और भी तो वायरस है, और के प्रति तो इतना जागरूक नहीं है, इसके प्रति क्यों है? तो वही होता है कि पांच गो मेन मेन आदमी मीटिंग करता है, अब इस पांचों में कौन किसके प्रति क्या रखा है कोई जानते हैं, और इसके अंदर 100 है, मैंने पहले बताया था इसके अंदर 200 है, तो इसको कब्जा कर लिया अगर इसमें से कोई अपनी एक दूसरे की नीति अपना के, तो 100 ऑटोमेटिक कब्जा हो गया, तो ऐसे ही हो जाता है। तो गवर्नमेंट वहां वहां के वो नियम कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है किसकी मंशा है इस पांचों में से राज करने का, वो कोई नहीं जानते हैं। फिर पता चलता है बाद में अपना सब जगह अपना प्रभुत्व तो स्थापित कर लेता है, इधर भी मेन आदमी जो रहता है ना, जिसका माइंड का खेल रहता है वो सब कर रहता है। तो सबसे पहले मेंटेलिटी सेट कर दिया गया है, तो इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है, कि जबरदस्ती अगर कर रहा है वैक्सीन लेने के लिए तो यानी कि आप पे अत्याचार कर रहा है, याद रखिए। और अगर आपको लग रहा है लेना है तो लीजिए, आपको नहीं लेना है तो चलान का जो डर रह रहा है उसका विरोध कीजिए, ठीक है, वहां घबराइए मत। और वो सोशल साइट्स यानी मीडिया काम करेगा, और यही चीज वहां पे पूछना है, ये सब बंद करो नियम, सबकी तो बंद कर दिया है लॉकडाउन करके, सबकी भूखमरी, ये चीज हो ना हो, लॉकडाउन और भूखमरी, लॉकडाउन से भूखमरी, और जो भी लोअर तो थोड़ा सा के लिए लग रहा होगा उन्हें अच्छा, लोअर क्लास जैसे कहते हैं ना जो ज्यादा रहते हैं, अब वो क्लास में बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे कहने के पर, गरीब अमीर मिडिल क्लास समझ के ना, उस हिसाब से तो सबका धीरे धीरे क्या हो रहा है, आउटगोइंग इनकमिंग बहुत ही कम, क्योंकि एक दूसरे से लिंक ही खत्म करवा दिया है ना सबको, यहाँ तो मिन मिन प्रभुत्व, तो फिर जो बचे खुचा रहेगा उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, तो समझ गए ना। तो इसीलिए मेंटेलिटी सबसे पहले, सब टेंशन फ्री हो जाइए, प्राकृतिक जो हमें मानव शरीर दिया है जैसे थे एकदम, डर जो दे दिया है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डर को हटाइए, और जहां गलत हो रहा है वहां विरोध कीजिए। तो जबरदस्ती आप पे कर रहा है, यहां पे एक सीमा होता है किसी चीज का, जब सीमा, तो फिर सीमा जब कहते हैं ना तोड़ देता है, तो फिर क्या होता है, उसके बाद उफान आता है किसी भी चीज में। तो वही समय रह, अगर आप लोग चाहते हैं कि महाभारत हो फ्यूचर में, समझ गए ना, गृह युद्ध हो या कुछ ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो समय रहते जो भी हो जिनका विरोध कर सकते हो वो आप करो, स्वेच्छा होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, और डर खत्म होना चाहिए बिल्कुल, कि अगर ये चलान वाला सिस्टम ना, ये बाइक पे चलान, इंश्योरेंस पे भी चलान, इंश्योरेंस करवाओ अलग, अब इंश्योरेंस नहीं है पेपर उसका भी चलान, मैंने कहा अभी उस सब टॉपिक जब होगा तो वहां पे हम क्लियर करेंगे। तो उसी तरीके से इंसान के शरीर पे भी चलान दे दिया है, हैं? और वो भी इस चीज पे, जो चीज पे देना चाहिए चलान वहां तो दे ही नहीं रहा है, अभी कहते ना ज्यादा बुलवाए नहीं, वही होता है। तो इसीलिए आप लोग समझते होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बात को, तो जब कोई भी मीडिया या कोई चीज आए तो उसके पास यही चीज पूछना है आपको कि भाई इतने तरीके से ठीक होंगे, आप बताओ जब हमें इससे ठीक हो जाएगा तो हम क्यों करें। तो आप जब कर रहे हो तो जबरदस्ती ही कर रहे हो ना, तो इतना आदमी बेवकूफ है, तो सीधे बोलते हैं इतना आदमी जब बेवकूफ है वो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि सिक्का तो फिर एक ही तरफ रखो, दो तरफ क्यों होता है, अपनी अपनी सोच है, जबरदस्ती कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है, तो सोच परिवर्तन करो ना, आप परिवर्तन, हम ही सब कुछ हम ही परिवर्तन कर रहे हैं, 3 साल से हम ही तो परिवर्तन कर रहे हैं, है? लॉकडाउन में रह रहे हैं, किसी तरह एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हो, यही चीज कहना है अगला को, समझ गए ना। तो इसीलिए अत्याचार को समय पे रोकिए, जब ये आप नहीं लोगे होगा वीडियो डालिए, सोशल साइट्स काम करेगा, लेकिन मत ली, अब आपके ऊपर, मैंने कहा आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और इसका क्लियरिफिकेशन मैंने पिछले पार्ट्स में कर दिया है, क्या है नहीं है वायरस का सिस्टम,
ठीक है। अब पूरा केमिकल नेम ये सब मैंने कहा, जितना कुछ चीज ऐसा होता है कि कहते हैं जितना ही समझिए जितना जरूरत है, इतना ही काफी है, तो फिर आगे बढ़ने क्या जरूरत है। जब कहते हैं सिंपल बांधते ही काम हो जाए तो ब्रह्मास्त्र लगाने की जरूरत है नहीं ना। तो बस जब हम स्वस्थ है तो हम क्यों ले, सीधा सीधा बात। और आप चलान कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो ना, शरीर पे भी कर दिया ना। तो इसीलिए गुलाम बनने से अपने आप को रोके और अभी आवाज उठाए, नहीं तो समय रहते अगर आवाज नहीं उठाए, नहीं विरोध किए। और जो भी होशियार चंद सब आसपास के, यहाँ पे देखो ना मेंटेलिटी इतना सेट कर दिया है कि आप अगर निकलो ए बी सी डी जो रहेगा ना, जो भी रहेगा आसपास में वही बोलेगा भाई ऊपर कर लो, नहीं करोगे वो पकड़ लेगा। पहले तो आपसे में बहस हो जाएगा। तो मैंने कहा ये सब क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज की कमी होता है, क्योंकि माइंड कहता है ऑन द स्पॉट काम नहीं करता है। तो आप लोग देख लियो तो आपको ये चीज है ना, तो सुनवे नहीं करेगा, तो नहीं सुनेगा तो आप भी मत सुनिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन है आपको, तो आप सर्टिफाइड जहां होते हो वहीं तो बात करते हो। जब समझ ही बुझ नहीं है तो कोई चीज कुछ बोलेगा हम कर लेंगे, इतना ने भगवान तो बुद्धि दिया है ना सबको, तो फिर टेंशन क्या है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा बार बार कि ये जो होशियार सब जो होता है ना, तो वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं, भाई तुम्हें लगाना है तुम लगाना, मैं नहीं लगा रहा, मुझे मत बोलना इसके बारे में, आप कभी मत बोलना मुझे लगाने के लिए। जब आप दुर्गंध देखते हो ऑटोमेटिक लगाते हो कि नहीं, फिर जब हम सही है भाई तो फिर क्यों लगाऊं। आप चल रहे हो, सांस फूल रहे, सीढ़ी चढ़ रहे हो, क्या चल रहे हो, कहने का तो आप समझ रहे हो कहां पे हो, नहीं हो, नहीं लगाओ, क्या है सिस्टम। इसलिए अत्याचार को समय रहते रोकिए यहां पे। बाकी और भी फील्ड में होगा, लेकिन वो चीज हम फिर कभी क्लियरिफिकेशन इसको और डिटेलिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी का माहौल जो है इसमें जो कहते हैं इसको सब लोग समझिए इस बात को। और जबरदस्ती जो ये कर लगा रहा है, कहने का कर ही हुआ ना, चलान टैक्स ये सब, चलान ये सब सिस्टम क्या है, नहीं पता होता है, जबरदस्ती हो तो ये मारपीट या कुछ अलग अलग सिस्टम होने लगता है, क्यों होने लगता है। तो इसीलिए आप लोग के पास ये चीज है, और कोई हिंसा नहीं करना है कहीं पे, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा ये चीज पूछिए, उसका जवाब नहीं दे रहा था, फिर इसके बाद टिट फॉर टेट वाला सिस्टम होता है, जैसे को तैसा, आपको क्या करना है वो आप भली भांति जानते हो, समझ गए ना। हमारा मुद्दा जो था वही चीज समझ गए कि आपको अगर कोई चीज जबरदस्ती यहां पे आप ये कर रहे हैं यानी कि, तो वहां पे उसका विरोध करें, ठीक है। किस चीज की एक सीमा होता है, सीमा टूटने ना पाए, सीमा टूट चुका है यहां पे, ठीक है, कहना पानी सर से ऊपर चला गया है। तो इसीलिए सब लोग यूनिटी बनाइए, एकता, ठीक है। और जहां जहां पे है वहां वहां बस मुद्दा रखिए, स्वेच्छा होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। इसीलिए डर हटाने के लिए एक बार कह दे कि मास्क कोई नहीं लगाएगा, देखिए आप सब खुद खुशी वो मनाओगे, नहीं लगाओगे, मैं खुद कह रहा हूं ये बात, लेकिन डर दे दिया गया है, मेंटलिटी नहीं तो चलान कटेगा। हाँ, तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज आता है। तो आपको जहां पे जो परिवर्तन तो चाह ही रहा है प्रकृति, तो परिवर्तन को अपने रहन सहन हर चीज में करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये जहां पे जो जबरदस्ती कर रहा है, ठीक है, वहां पे रोकिए। मुद्दा जब वो होगा तो हम बता ही देंगे अगला टॉपिक पे। इसीलिए अभी ये चीज, ये मास्क और वैक्सीनेशन के विरोध हुई है, ठीक है, खरा कि ये सब भाई जबरदस्ती नहीं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं इस पे, कोई नहीं। और आपस के आदमी बोल रहे तो मैंने कहा ना बस वही चीज बोल दो, और एक बार बोल दो तो दोबारा ना बोलने पाए, नहीं तो इस पे भी टॉपिक है ना, सबका क्लियरिफिकेशन होते जाएगा एक एक करके। तो आप ये चीज समझ गए होंगे ना, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे करे जैसे रहना चाहे, ठीक है, हम सब जैसे रहना, क्योंकि पूरे विश्व की बात है, समझ गए ना, ठीक है।